नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल डिफरेंट मूड्स में एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे NSC यानी कि नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट की और 2019 में आए इसके सभी अपडेट्स की। दोस्तों, ये एक सेविंग स्कीम है जो कि हम सिर्फ पोस्ट ऑफिस में ले सकते हैं। बैंक्स, प्राइवेट कंपनीज या LIC वगैरह इसको इशू नहीं करते हैं। इसके फीचर्स क्या क्या हैं? इसके मेन फीचर्स हैं दोस्तों कि ये स्कीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 100% गारंटीड है, सेफेस्ट मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट माना जाता है और इसके जो रिटर्न्स हैं ये भी गारंटीड रिटर्न्स हैं और इसमें 100 रुपये जैसी छोटी अमाउंट भी हम डिपॉज़िट करवा सकते हैं। इनकम टैक्स हैं स्कीम के अंदर, सॉरी इनकम टैक्स बेनिफिट्स हैं स्कीम के अंदर काफ़ी, और NSE के अगेंस्ट बैंक से हमको लोन मिल सकता है। ये इसके मेन फीचर्स हमने आपको बताए हैं। चलिए इसकी हम डिटेल्स के बारे में बात करते हैं और सबसे पहले बात करेंगे इनकम टैक्स बेनिफिट्स के बारे में। दोस्तों, NSE में हमें सबसे बड़ा इनकम टैक्स बेनिफिट जो मिलता है वो है ATC। NSE में पर फाइनेंशियल ईयर जो हम डिपॉज़िट करवाते हैं उसका 1.5 लाख रुपये तक का डिपॉज़िट ATC सेक्शन के अंडर इनकम टैक्स से एग्जेम्प्ट होता है। दोस्तों, इंटरेस्ट इसमें आपको हर साल मिलता नहीं है बल्कि साल बाद एक्रूड इंटरेस्ट यानी कि ब्याज पर ब्याज मिलता है। आपको सेविंग्स के अकाउंट में आपके ट्रांसफ़र नहीं किया जाएगा, आप NSE में आपके स्टैंड करेगा और साल बाद आपको ब्याज की रकम के ऊपर फिर से ब्याज मिलने लगेगा। हर साल जो आपने इंटरेस्ट अर्न किया होता है वो अगले साल के लिए री इन्वेस्टेड माना जाता है और इसलिए इनकम टैक्स के सेक्शन अंडर ATC की छूट इस इंटरेस्ट इनकम पर आपको मिलती है। इस तरह से इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज एंड डिडक्शन अंडर सेक्शन ATC एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं और इस स्कीम को बिल्कुल टैक्स फ्री बनाते हैं। लेकिन यहाँ ये जानना बहुत ज़रूरी है कि सिर्फ वो ब्याज जो आपको 5वें साल में मिलता है वो टैक्सेबल होता है, क्योंकि उसको आप रीइन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, इसलिए उस पर 5वें साल के जो आपको ब्याज मिला है उस पर आपको टैक्स देना होगा। दोस्तों, TDS की कोई एप्लीकेबिलिटी नहीं है यानी कि टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स इस पर लागू नहीं होता है। आइए इसके लेटेस्ट इंटरेस्ट रेट्स के बारे में जानते हैं। दोस्तों, आजकल यानी कि जनवरी 2019 में इसका इंटरेस्ट रेट चल रहा है 8%, जो कि एक बहुत अच्छा इंटरेस्ट रेट है। इंटरेस्ट रेट दोस्तों जो NSE लेते समय एप्लीकेबल रहा होगा वो ही उस अमाउंट के लिए 5 साल तक आपको मिलता रहेगा। आपके एक बार इन्वेस्टमेंट करने के बाद NSE का इंटरेस्ट घट जाता है या बढ़ जाता है, लेकिन वो नए लेने वाले NSE पर एप्लीकेबल है। जो आप NSE ले चुके हैं, जिस रेट पर ले चुके हैं, उससे आपको अगले चेंजेस जो इंटरेस्ट रेट में होंगे उससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपको अपना स्टार्टिंग पॉइंट वाला इंटरेस्ट रेट मिलता रहेगा। 1 अप्रैल 2016 से NSE के इंटरेस्ट रेट्स क्वार्टरली अनाउंस किए जाते हैं, पहले ये हाफ ईयरली अनाउंस किए जाते थे। मैच्योरिटी पीरियड की बात करें अगर, तो दोस्तों इसका मैच्योरिटी पीरियड 5 साल का है। पहले यह 10 साल का हुआ करता था। 20 दिसंबर 2015 के बाद से इशू किए जाने वाले NSE 5 साल के ही होते हैं। डिपॉज़िट लिमिट्स की जहां तक बात है दोस्तों, हमने आपको पहले बताया है कि 100 रुपये जैसी छोटी रकम भी आप इसमें जमा करवा सकते हैं और मैक्सिमम डिपॉज़िट अमाउंट की कोई लिमिट नहीं है। हाँ, शर्त यह है कि जो भी आप रकम इन्वेस्ट कर रहे हैं वो 100 रुपये के मल्टीपल्स में होनी चाहिए, यानी कि 100, 200, 300, 400, 150, 250 नहीं जमा करवा सकते हैं। पहले NSE 100, 500, 1000, 5000, 10000 के डिनोमिनेशंस में फिज़िकल पेपर के रूप में आते थे, परंतु 1 जुलाई 2016 के बाद से ये डिनोमिनेशन ख़त्म कर दिए गए हैं और इसकी जगह पर एक पासबुक इशू की जाती है। दोस्तों, ये अकाउंट कौन खोल सकता है? ये अकाउंट सिर्फ और सिर्फ भारतीय नागरिक के लिए है और कोई विदेशी इसे नहीं खोल सकता है, NRI नहीं खोल सकता, कोई ट्रस्ट या HUF भी
यह अकाउंट ओपन नहीं कर सकते हैं। प्री मैच्योर क्लोजर, दोस्तों हाँ, हम इस अकाउंट को समय से पहले यानी कि 5 साल पूरे होने से पहले भी बंद कर सकते हैं। इनकी दो कंडीशंस हैं, या तो अगर खुदा न खास्ता अकाउंट होल्डर की डेथ हो जाती है तब बंद किया जा सकता है, या किसी कंडीशन में कोर्ट के ऑर्डर्स हों कि इस अकाउंट को बंद करना है, कुर्की भी हो सकती है इस अकाउंट की। इस ऐसी कंडीशंस हैं। जनरली आप जाकर अगर कहें तो 5 साल से पहले ये अकाउंट की रकम आपको नहीं मिल सकती, लेकिन इसके अगेंस्ट आपको लोन मिल सकता है बैंक से। आप अपनी जो फिज़िकल सर्टिफिकेट है NSE के वो, या जो आजकल पासबुक इशू कर की जाती है वो, बैंक के पास गिरवी रख कर एक तरह से उसके अगेंस्ट आप लोन ले सकते हैं। दोस्तों ये अकाउंट अगर आप किसी अपनी सुविधा के चलते एक पोस्ट ऑफिस से दूसरे पोस्ट ऑफिस में शिफ्ट करना चाहते हैं तो ऐसा भी किया जा सकता है, और अगर एक पर्सन की ओनरशिप से इसकी ओनरशिप ही बदलना चाहते हैं, किसी और को गिफ्ट करना चाहते हैं, तो वो भी मुमकिन है। लेकिन ऐसा करना 5 साल के ड्यूरेशन के अंदर केवल एक बार मुमकिन है। दोस्तों अगर आपका ये सर्टिफिकेट, फिज़िकल पेपर सर्टिफिकेट जो NSE का है, वो गुम हो जाता है तो आपको उसकी जगह पर पासबुक आजकल जो चलती है वो इशू कर दी जाएगी, और पासबुक गुम हो जाती है तब भी ऑब्वियसली आपको पासबुक ही नहीं मिल जाती है। नॉमिनेशन फैसिलिटी भी NSE के अंदर अवेलेबल है। दोस्तों हमारा इस वीडियो का मकसद कुल मिलाकर ये है कि NSE एक बहुत अच्छा मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट है। लॉक इन पीरियड 5 साल है, बहुत ज़्यादा कम तो नहीं है लेकिन बहुत एक्सेस से ज़्यादा भी नहीं है, और 8% रेट जो आज के दिन दिया जा रहा है वो बहुत अच्छा है। टैक्स बेनिफिट्स हैं, TDS नहीं कटता है, अच्छी स्कीम है। लोन मिल सकता है आपको इसके अगेंस्ट, तो अगर आपके पास रकम कुछ स्पेयर है तो इसको इसके अंदर इन्वेस्ट ज़रूर करें, और अगर थोड़ी थोड़ी रकम हर महीने आपके पास स्पेयर होती है तो आप जब हम कोई RD अकाउंट खोलते हैं उसकी जगह पर यदि हम एक NSE हर महीने थोड़े थोड़े लेते हैं तो 5 साल के बाद जब वो मैच्योर होकर के आने शुरू होते हैं तो हर महीने एक पेंशन की तरह आपके पास आएंगे। वो एक बहुत अच्छा उस समय आपको ज़िंदगी में सहारे के रूप में उपलब्ध होगी रकम। अगर NSE को लेकर या और किसी फाइनेंशियल इश्यूज़ को लेकर आपके कुछ सवाल हैं तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। दोस्तों के साथ वीडियोस को